स्टेबिलिटी ऑफ कार्गो कैटायन हमने डिस्कस किया है, राइट। कार्गो कैटायन हमने डिस्कस कर लिया है, आगे हम डिस्कस करेंगे कार्बेनायन की स्टेबिलिटी। और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कहाँ पे? इंडक्टिव के टाइम, रेजोनेंस के टाइम। थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पे अलग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप? सबसे पहले अगर वहां पे निगेटिव चार्ज है और आई इफेक्ट वहां पे अप्लाई हो रहा है, तो कौन सा आई इफेक्ट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन को इफेक्ट देगा? तो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, समझ में आ रहा है। दूसरा माइनस एम भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। माइनस आई पार्शियल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड माइनस एम जो है ना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर निकालता है। तो अगर माइनस आई का इफेक्ट है और माइनस एम का इफेक्ट है, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बेनायन को? माइनस एम, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और अगर मैं कुछ ग्रुप की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में पॉइंट नंबर वन की बात कर रहा हूं मैं, कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे, लेफ्ट टू राइट, when we goes left to right in a periodic table, then EL rule apply, कौन सा rule apply करना है? समझ में आ रहा है। तो stability left to right क्या होगा? Stability based on EL rule, समझा आपको? Based on EL rule, अब EL rule क्या होता है? Electronegativity क्या बोल रहा है? मोर निगेटिव पे निगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है, ज्यादा स्टेबल। और यहाँ निगेटिव की बात करें हम, अब एग्जाम्पल इनका लिया जाए, जैसे मेरे पास मिथाइल कार्बेनायन है, NH2 एनायन है, OH एनायन है और फ्लोराइड आयन है, ये सब निगेटिव चार्ज है। अब यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि इन निगेटिव चार्ज में कौन सा वाला निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा? अब रीजन क्या होंगे? ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन ईएन रूल। अब ईएन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूं तो जैसे लिखा हुआ वही हो जाएगा, CH3- लेस स्टेबल, NH2- से NH2- लेस स्टेबल है, OH माइनस से OH माइनस लेस स्टेबल है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर मैं ले लूं, ये लेफ्ट टू राइट था, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन साइज ऑफ एनायन। अब जिसका साइज जितना ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, समझ में आ रहा है। अब इनके केस में एग्जांपल ले लें, अगर हम फ्लोराइड माइनस है, ब्रोमाइड माइनस है, आई माइनस, राइट। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ फ्लोराइड का अब साइज पढ़ लिया, एटॉमिक रेडियाई ये सब पढ़ लिया, राइट। फ्लोराइड का साइज ये है, फ्लोराइड का साइज थोड़ा बड़ा, ब्रोमाइड थोड़ा और बड़ा, आयोडाइड थोड़ा और बड़ा, एक निगेटिव चार्ज इतने एरिया में घूम रहा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा कम होगा, समझ में आ रहा है, बहुत कम होगा। यहाँ पे साइज बढ़ते जा रहा है, वही एक ही निगेटिव चारों पे है, पर यहाँ उतना बड़ा साइज है, तो इफेक्ट क्या होगा? कम, यहाँ इफेक्ट ज्यादा, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? कोई भी चार्ज हो उसका इफेक्ट कम होना चाहिए, जितना कम इफेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी, चार्ज मिनिमाइज होना चाहिए। यहाँ चार्ज सबका सेम ही है,
माइनस वन ही है बट एरिया ज्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ साइज इफेक्ट। तो जब ही हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, अगर ग्रुप सब टॉप टू बॉटम वाले हैं तो वहां पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, साइज का फैक्टर। एंड साइज ऑफ एनायन हमें पता है कि किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम, ये पता है ना पीरियोडिक टेबल से। तो नाउ स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड माइनस ब्रोमाइड माइनस एंड आयोडाइड माइनस। यहां तक कोई कंफ्यूजन, सबको समझा ये दोनों पॉइंट। अब इसी का एक और एग्जांपल ले लूं, ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें इसी पॉइंट का दूसरा एग्जांपल ले लूं, OH माइनस है SH माइनस है। अब दोनों में मैं स्टेबिलिटी पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल होगा, SH माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ साइज ज्यादा है, यहाँ साइज कम है, क्योंकि अब दोनों सेम ग्रुप एलिमेंट है ना, सेम ग्रुप एलिमेंट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज का फैक्टर देखना है, तो ये निगेटिव ज्यादा स्टेबल होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन समझा आपको, और डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस वाला इफेक्ट तो हमने पढ़ ही लिया है, ये अलग से पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और ये क्यों डिस्कस किया, आगे जाके इसका एप्लीकेशन भी है। इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, रिएजेंट कहां पे यूज किए जाते हैं, रिएक्शंस में। अब रिएजेंट दो टाइप के अटैक कर सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक इलेक्ट्रॉन रिच, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले एक अटैक कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिच वाले, एक जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो रिएजेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट, दो टाइप के, कौन से दो, वन इज इलेक्ट्रोफाइल, अदर वन इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इसी को इलेक्ट्रोफिलिक भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक मीन्स लवर, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन लवर होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लवर होंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियस लवर, समझ में आ रहा है आपको। तो न्यूक्लियस लवर कौन हो सकता है, न्यूक्लियस में क्या होते, प्रोटॉन, प्रोटॉन का लवर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसका लवर कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और यू कैन से इलेक्ट्रॉन लवर मतलब जहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वही इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लवर वे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वही तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। आपको पैसे की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास नहीं है, है तो आप तो खर्च ही कर सकते हैं, नहीं है इसलिए रिक्वायर्ड है, समझ में आ रहा है आपको। तो इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हो सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हों, या जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट, पॉजिटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज और ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियस लवर, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन होता है, या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, समझ में आ रहा है आपको, ये सब ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, समझ में आ रहा है,
इलेक्ट्रोफाइल को हम लुईस एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, और न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल सकते हैं लुईस बेस, लुईस एसिड है लुईस बेस, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल की भी बात करेंगे, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, H प्लस है इलेक्ट्रॉन ले सकता है, R प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, NO प्लस नाइट्रोसिलियम आयन, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, SO3 H प्लस भी होता है, एंड एक्स प्लस इज हैलोनियम आयन, हैलोजन भी प्लस में आएगा, समझ में आ रहा है। ये सब पॉजिटिव ग्रुप है। अब कुछ न्यूट्रल ग्रुप होंगे, न्यूट्रल ग्रुप लाइक AlCl3, ZnCl2, FeCl3, PCl5, CO2। अब ये न्यूट्रल तो है बट इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकते, और जो भी लुईस एसिड होते हैं ये PCl5 में अगर देखा जाए तो वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है बट फिर भी ये लुईस एसिड मानना जाता है, क्यों, क्योंकि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो डी में इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वी हैव एज अ लुईस एसिड, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या बिहेव करेंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, तो ऑल दिस ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। अब कुछ ऐसे भी ग्रुप है जो पॉजिटिव तो है बट इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं लिए तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, नहीं। अब ऐसे कौन से ग्रुप है, Na प्लस, K प्लस, H3O प्लस, NH4 प्लस, ये सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज तो है बट क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, नहीं, माना नहीं, बट क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो है वैलेंस शेल में कहीं पे भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, और जब वैलेंस शेल में कोई ऑर्बिटल वैकेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेंगे। NH4 प्लस कैन नॉट बी हैव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, रीजन क्या होगा, नो वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे, नहीं। समझ में आ रहा है आपको, ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं। एग्जांपल अगर मैं लू Na सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A1, अब सोडियम सोडियम प्लस में कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 2A8 हो गया। अब सोडियम आयन जो है सेकेंड सेल में बिलोंग कर रहा है, अब सेकेंड सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या इसके वैलेंस सेल में कोई वैकेंट सेल है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं। जब वैकेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं लिया क्या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, नहीं। अब यहां क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विच आर नॉट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन दिया रहेगा दो इधर के पॉजिटिव, एक इनमें से कोई पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव हो गए और एक न्यूट्रल। अब हम क्या सोचेंगे, तीन तो प्लस वाले हैं एक न्यूट्रल है, जो अलग दिखता है वही आंसर होता है, ऐसा हम सोचेंगे जो कि रॉन्ग सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है। और हम AlCl3 ZnCl2 ऐसा सब लिख के आ जाएंगे जो कि रॉन्ग है, समझ में आ रहा है आपको, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखे बट वो आपको ध्यान में देना है कि Na+, K+, Li+ ऐसे कोई ग्रुप दिख जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, और जब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, समझा आपको। भले ये न्यूट्रल है बट दे वी हैव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि इनका लुईस नेचर है, लुईस एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें,
न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल की बात है, समझ में आ रहा है? अब एग्जांपल में पॉइंट नंबर वन मैं यहीं पे बता रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। पहले तो ये बता दूं, जितने भी निगेटिव वाले हैं सबके सब क्या होंगे, सबके सब न्यूक्लियोफाइल है। चाहिए तो मैं यहाँ पे इनका भी एग्जांपल लिख देता हूँ, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, OH माइनस, SH माइनस, NO2 माइनस, ये जितने भी है ना सबके सब, Cl माइनस, NO3 माइनस, ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल है। HCl राइट, OR, H माइनस, R माइनस, जो भी निगेटिव वाले हैं। न्यूट्रल में कौन कौन होंगे, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। ऐसा क्यों, लोन पेयर है ना इनके पास, लोन पेयर वाला ग्रुप तो दे ही सकता है। एसिड के पास भी लोन पेयर होते हैं, समझ में आ रहा है आपको? एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इनके पास भी लोन पेयर है। ये सब क्या होंगे, जिसके पास भी लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर मैं बात करूँ, पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को मैं एनयू से रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें पॉइंट नंबर वन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, एक पॉइंट याद रखेंगे। यहां पे हमने क्या लिया है कि एनायन की स्टेबिलिटी हमें पता है। अब यहां पे कौन ज्यादा तेजी से एनायन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है ना, कौन सा निगेटिव चार्ज तेजी से अटैक करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा हो या जो कम स्टेबल होगा हो, कम स्टेबल होगा हो राइट, जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना तेजी से अटैक करेगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहां पे अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब यहां पे सी एच थ्री माइनस ले लू, मैं एन एच टू माइनस ले लू, ओ एच माइनस ले लू और फ्लोराइड माइनस ले लू। अब यहां पे अगर स्टेबिलिटी पूछेंगे तो ऑर्डर ऐसा होगा, न्यूक्लियोफाइल का नेचर पूछेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएंगे, सी एच थ्री माइनस, एन एच टू माइनस, ओ एच माइनस, एफ माइनस। ये समझा, यहां तक कोई डाउट? इसी में दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, तो एस आई एच थ्री माइनस, PH2 माइनस, SH माइनस, Cl माइनस, ये कौन से एग्जांपल है, थर्ड सेल वाले राइट। तो इसमें क्या हो, अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करूं मैं, तो SiS3 सबसे ज्यादा, देन PH2 माइनस, आया ना PH2 माइनस, देन SH माइनस, देन Cl माइनस। इसका रीजन क्या है समझ में आया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल नेचर कम होगा। अब पॉइंट नंबर टू, इसको ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर टू में टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, जनरली क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। ये थोड़ा सा समझना हो, ये समझेंगे राइट, ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे भी वही फैक्टर है, स्टेबिलिटी वाला ही है, बट हम जब कोई भी सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, यार रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, जब कोई सॉल्वेंट नहीं तो हम किसकी बात करते हैं वहां पे, तब वॉटर एक्वस मीडियम, कौन सा मीडियम, एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में क्या होगा, अगर सपोज मैं यही पे बता रहा हूं, जरा ध्यान देंगे, सोडियम फ्लोराइड ले लू और सोडियम क्लोराइड ले लू, सोडियम ब्रोमाइड ले लू एंड सोडियम आयोडाइड ले लू। अब ये सब एक्वस मीडियम में, सबका कैटायन क्या है, सेम है, सब सोडियम दे रहे हैं, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, समझ में आ रहा है। अब अगर एक्वस मीडियम में है सोडियम फ्लोराइड, एक्वस ले लिया, ये क्या करेगा, Na plus aqueous राइट, NF minus aqueous। अब ये जो aqueous मीडियम है क्या करेगा, ये खाली आयोनाइज ही नहीं करेगा,
ये खाली आयोनाइज ही नहीं करेगा, इस आयंस को ना स्टेबलाइज भी करेगा। कैसे? वॉटर पोलार प्रोटीक सॉल्वेंट होते हैं, जो भी पोलार प्रोटीक होंगे उसके पास प्रोटॉन मतलब एच प्लस, राइट। अब एच प्लस है तो एफ माइनस को स्टेबलाइज करेगा, और जो ओ है जो प्रोटीक का निगेटिव चार्ज है वो किसको स्टेबलाइज करेगा? पॉजिटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोलार प्रोटीक सॉल्वेंट में एच प्लस तो होगा, और एच प्लस होगा तो इस निगेटिव को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। अब जितना साइज कम होगा उतना ज्यादा वॉटर इसके सराउंडिंग में आएगा, उतना ज्यादा उसका सॉल्वेशन होगा। जितना साइज बढ़ेगा सॉल्वेशन उतना कम होगा। अब जितना वाटर इसके सराउंडिंग में आएगा उतना एच से ये कनेक्ट होगा, और एच से कनेक्ट होगा तो निगेटिव चार्ज इसका क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। क्या होगा? स्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा, फ्लोराइड या आयोडाइड? फ्लोराइड। तो अब फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, और सबसे कम स्टेबलाइज कौन हुआ? आई माइनस। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया और ये कम। अभी तक स्टेबिलिटी जब कोई सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही थी वहां स्टेबिलिटी ऑफ आयंस की बात है, निगेटिव वहां सॉल्वेंट की बात है, यहाँ रिएक्शंस की न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन किसी मीडियम में हो सकता है, पोलार प्रोटीक, पोलार अप्रोटीक। तो जब कोई भी सॉल्वेंट नहीं बोला है तो कौन सा सॉल्वेंट होगा? पोलार प्रोटीक सॉल्वेंट, मतलब वॉटर एज अ सॉल्वेंट वो क्या होगा? पोलार प्रोटीक। और प्रोटीन में क्या होंगे? प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये जो एफ माइनस है, एफ माइनस उसका साइज सपोज इतना, अब क्या करेगा ये एफ माइनस? इसका नेगेटिव वाटर के एच के साथ, एच टर्मिनल के साथ ऐसा बॉन्ड बनाए। समझ में आ रहा है आपको? अब जितना ज्यादा ये सॉल्वेट होगा उतना इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब साइज बढ़ता जाएगा तो वाटर का सॉल्वेशन क्या हो जाएगा? कम ना। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे साइज इंक्रीज है, सॉल्वेशन डिक्रीजेस, और सॉल्वेशन डिक्रीजेस तो क्या हो गया, हो जाएंगे स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि वाटर जितना डिसॉल्व होगा उतना निगेटिव टर्मिनल से क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, और जितना बॉन्ड बनाएगा उतना क्या होगा? इस आयंस को स्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेबलाइज करेगा, बट यहां पे अगर सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ने पे सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट गिरेगा? स्टेबिलिटी कम होगा। समझा आपको? क्योंकि सॉल्वेशन कम हो रहा है। तो अब यहां पे सॉल्वेशन की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा किसका हुआ? फ्लोराइड माइनस, देन फ्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। आयोडाइड का साइज सबसे ज्यादा है ना, इसमें सबसे कम डिसॉल्व हो रहा है। अब यहीं पे स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, तो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस। ये समझा? अब ये स्टेबिलिटी हो गई यहां पे, और हमने क्या पढ़ा है? स्टेबिलिटी का उल्टा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? आई माइनस इज मोर देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, दे एफ माइनस। ये ऑर्डर कब होगा? जब पोलार प्रोटीन सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? पोलार प्रोटीन सॉल्वेंट, हमेशा ऐसा होगा। अब ध्यान में ये रखना है, अगर अप्रोटीक आया तो अप्रोटीक भी तो आ सकता है, जब अप्रोटीक आया, बट जब ही अप्रोटीक आएगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा इन एसीटोल, इन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इन डीएमए, इन डीएमएसओ। समझ में आ रहा है? डीएमएसओ क्या है? डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो इन सब रेजिन में उनका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अभी इसी मॉलिक्यूल को मैं अप्रोटीक में ले रहा हूं, ये अगर मेरा एग्जाम्पल नंबर वन था, राइट। एग्जाम्पल नंबर टू, इन पीएएस पोलार अप्रोटीक सॉल्वेंट, पीएएस लिख दिया मतलब जितने भी मैंने नेम लिया वो सब क्या हो जाए। अब पीएएस में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, क्या कोई प्रोटॉन है? नहीं। सपोज ऐसी तो उनकी बात है, पहले ये सॉल्वेंट को समझ लो, फिर अप्लाई कैसे करना है वो इजी हो जाएगा। अब इसमें ये निगेटिव टर्मिनल ही है, कोई प्रोटोन है क्या? नहीं।
अब ये पोलार तो है, पोलार तो है, बट क्या प्रोटीक है, क्या प्रोटॉन है? नहीं। जब प्रोटॉन नहीं तो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा क्या? नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज तो कर देगा, Na+ जैसे यहां स्टेबलाइज हो रहा था वैसे यहां पे भी होगा, बट मेरा जो निगेटिव चार्ज यहां स्टेबलाइज हो रहा था वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब जब स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? आई माइनस। अब ऑर्डर स्टेबिलिटी का वही, तो इसका न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या हो जाएगा? एफ सी एल बी आर आई। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये टेक्निक समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे एनायंस को पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर नहीं रहा है, बट प्रोटिक में क्या हो रहा है? अल्कोहल होगा तो भी एच है, एसिड होगा तो भी एच है, वाटर है तो भी, तो उसका एच वाला टर्मिनल इस निगेटिव पार्ट को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। और जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा वहां पे प्रोटॉन क्या होगा? डिसॉल्व होगा। और जितना डिसॉल्व होगा उतना इसको क्या करेगा? स्टेबल बनाएगा। और हमने पढ़ा क्या है, न्यूक्लियोफाइल का पावर ज्यादा किसका होता है? जिसकी स्टेबिलिटी कम। तो ये तो ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। अब स्टेबलाइज हो गया तो इसकी पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम हो जाएगा। बट इन केस ऑफ दिस वन क्या हो जाएंगे? NaF, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस। अगर मैंने इसमें लिया है तो Cl माइनस, राइट, अच्छा F लिखो यहां पे, F माइनस ना, F माइनस नेगेटिव चार्ज cannot stabilize in polar or protic solvent. Stabilize हो रहा है क्या? नहीं। Normally F minus any anion stabilize होंगे क्या? नहीं। तो इनका stability order क्या है? अब इनका जो real stability है वही यहाँ पे भी होगा, आया ना? जो original stability order है वही यहाँ पे भी है। Stability order में क्या होगा? F- कम है Cl से, Cl कम है Br से, Br कम है I से, ये स्टेबिलिटी है। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? F- Cl- Br- I-। अब ऑर्डर कुछ समझ में आ रहा है? अप्रोटिक में उल्टा, प्रोटिक में उल्टा, दोनों अपोजिट है। प्रोटिक में क्या है? I-, अप्रोटिक में क्या है? F-। रीजन क्या है वो समझ में आया? रीजन इंपॉर्टेंट है, रीजन समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट एक ही बताया मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जिसका ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफाइल उतना कम होगा। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया। ऐसा क्यों हुआ कि इस वाले में फ्लोराइड जो है सबसे कम और आयोडाइड ज्यादा, जबकि आयोडाइड हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ज्यादा है, पर यहाँ पे आयोडाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन उसको स्टेबिलाईज कर दे रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन? ये दोनों पॉइंट याद रखना, जनरली यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। इन पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट उसमें डीएमएफ ले सकते हैं, डीएमए ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, डीएमएसओ ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, समझा? अब ये न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया तो यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आता है एम्बिडेंटिव। एम्बिडेंटिव न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दोनों डोनर एटम रहेंगे, दो दो डोनर एटम रहने के बावजूद भी हो किसी एक साइड से ही बॉन्ड बनाए। जैसे साइनाइड सी से भी बॉन्ड बना सकता है और एन से भी बॉन्ड बना सकता है। आइसोसाइनाइड भी बनता है, सी एन सी से बॉन्ड बनेगा और आइसोसाइनाइड एन से बॉन्ड बनेगा। एस सी एन ग्रुप सल्फर से भी बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाता है। NO2 ग्रुप N से भी बॉन्ड बनाता है और O से भी बॉन्ड बनाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंटिव न्यूक्लियोफाइल? अ न्यूक्लियोफाइल इन विच टू साइड ऑफ अटैचमेंट आर पॉसिबल, जो दो साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, बट एट द टाइम ओनली वन साइड, एक बार में एक ही अटैचमेंट दिखाएंगे, दोनों नहीं। समझ में आ रहा? तो एम्बिडेंटिव न्यूक्लियोफाइल कौन कौन एग्जाम्पल है? साइनाइड, NO2 माइनस, SCN माइनस। कैसे? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई बॉन्ड होगा जो CN बना सकता है और यही जो है NCB बना सकता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है, C से भी बॉन्ड बना सकता है और NC,
ये न्यूक्लियोफाइल तो है बट एक स्पेशल टाइप हो गया, कौन सा? एम्बिडेंटी, जिसके दो अटैचमेंट हो सकते हैं बट एक बार में कोई एक ही अटैचमेंट दिखाएगा, ऐसा नहीं आप सी से भी बॉन्ड बना दो और एन से भी बना दो। समझ में आ रहा है? NO2 इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और ओ एनओ भी बॉन्ड बनाता है, सल्फर जो है HCl से भी बॉन्ड बनाता है और NCl से भी बना। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो है, ये तीनों जो है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। What is the meaning of ambidentate nucleophile? Ambidentate, two side of attachment possible, but at the time only one side. एक बार में एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा। ऐसे टाइप के न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेंगे? Ambidentate nucleophile. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकते हैं। अब ऐसे कौन से ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बिहेव कर सकते हैं? कार्बोनिल के कंपाउंड पता है आपको? कार्बोनिल के कंपाउंड ग्रुप विच बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट? ऐसा कोई ग्रुप ले लू कार्बोनिल का, इनके पास लोन पेयर है, राइट? अब जरा कार्बन को देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड ओ माइनस सी प्लस। ये सी टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ओ टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहां पे क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर प्रेजेंट। समझ में आया? तो देयर आर सम ग्रुप विच वी हैव बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ऐसे जो है कार्बोनिल वाले ज्यादा मिलेंगे। आर सी डबल बॉन्ड को ओ एच एन एच टू ओ आर एस्टर अमाइड एसिड, ये सब क्या होंगे? दोनों बिहेव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कार्बन पे अटैच हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल, ओ से अटैक हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है आपको? कितना कॉपी करना है? आफ्टर दिस नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जीओसी चल रहा है, ये सब जितने भी पॉइंट है आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। अब यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का पॉइंट था न्यूक्लियोफाइल, तो भी किसका एप्लीकेशन था? जीओसी का ही था, राइट? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एसिडिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहले एसिड होते क्या? एसिड किसको बोला जाता है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, चाहे सबसे पहले डिफाइन नहीं कर देता एसिड कौन होता है। अगर अरहेनियस की बात की जाए, आपने डेफिनेशन तो पढ़ा ही है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। अरहेनियस ने कौन सा डेफिनेशन दिया है? अरहेनियस ने एसिड का डेफिनेशन दिया है या नहीं दिया है? अकॉर्डिंग टू अरहेनियस क्या डेफिनेशन है? अरहेनियस थ्योरी क्या है? H प्लस डोनर इन एक्वेस फेज, इन एक्वेस फेज जो H प्लस डोनर हो एक्वेस फेज में उसको एसिड बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन इन अ वॉटर बोलते हैं ना, वॉटर मतलब एक्वेस फेज। तो एक्वेस फेज में जो H प्लस दे रहे, उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं ब्लॉस्टेड, जिसको लोरी ब्लॉस्टेड भी बोला जाता है। ब्लॉस्टेड थियरी क्या है? ये भी H प्लस के टर्म में ही डिफाइन किया, तो H प्लस डोनर। अब दोनों में फर्क क्या है? ये एक्वेस फेज है और यहां कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, यहां चाहिए तो ऐसा लिख दीजिए नो सॉल्वेंट, नो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, कोई सॉल्वेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पे वाटर है, यहां कोई भी सॉल्वेंट नहीं, वाटर छोड़ दीजिए आप, कोई पोलर अप्रोटीन या नॉन पोलर किसी सॉल्वेंट की बात ही नहीं किया है। तो ब्लॉस्टेड थियरी के अकॉर्डिंग जो H प्लस डोनेट करते हैं, जो H प्लस डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो H प्लस रिसीवर होते हैं वो
बेस होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होगा? एच प्लस डोनर। ब्रोंस्टेड बेस क्या होंगे? एच प्लस एक्सेप्टर। अरहेनियस एसिड कौन होंगे? एच प्लस डोनर इन एक्वियस फेज। अरहेनियस बेस कौन होगा? OH माइनस डोनर इन एक्वियस फेज। अरहेनियस तो बहुत फेमस है, ऐसे कैसे आप एच प्लस बोल दे रहे हैं? एच प्लस के टर्म में खाली ब्रोंस्टेड ने बोला हुआ है, चाहे वो एसिड हो या बेस, दोनों एच प्लस का टर्म ही था उनका। एसिड जो डोनेट करे, बेस जो एक्सेप्ट करे, समझ में आया? और अरहेनियस ने क्या बोला था कि एच प्लस डोनर इन एक्वियस फेज इज एसिड, OH माइनस डोनर इन एक्वियस फेज बेस। इनके दोनों के बाद आते हैं लुइस। लुइस एसिड क्या होता है? लुइस एसिडिक नेचर। लुइस एसिड को हम शॉर्टकट में लाभ बोलते हैं। बताया था इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन रिसीवर। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, आया ना? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल आर लुइस एसिड। लुइस एसिड तो लुइस बेस कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लुइस एसिड है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो लुइस बेस। तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच क्या होंगे? लुइस बेस। समझ में आ रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होंगे? लुइस एसिड। इलेक्ट्रॉन लेने वाला लुइस एसिड, इलेक्ट्रॉन देने वाला लुइस बेस। H plus donor in aqueous phase, Arrhenius acid. OH minus donor in aqueous phase, Arrhenius base. Bronsted acid क्या है? H plus donor. और bronsted base क्या है? H plus acceptor. समझ में आया? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि bronsted acid base definition in the term. तो कौन से टर्म में है? H plus. समझ में आ रहा है? Lewis का जो acid base definition है कौन से टर्म में है? इलेक्ट्रॉन के टर्म। इलेक्ट्रॉन दिया एसिड, इलेक्ट्रॉन दिया तो बेस, इलेक्ट्रॉन लिया तो एसिड। अब ये समझ लिया राइट? अब मैंने HA, वेयर HA इज एनी एसिड, HA लिया है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस का साइन है। रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है। अब ये H प्लस दे रहा है और A माइनस भी देगा। रिएक्शन का कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिवर्सिबल है ना, तो इक्विलिब्रियम में है। अब इसके कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं K से डिनोट करूंगा। किससे? K से। यहाँ कौन सा टर्म लिया है? एसिड। तो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K A। वेयर K इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। और एसिड, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये के क्या होगा स्टूडेंट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोला है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट टर्म यूज करेंगे। एच प्लस प्रोडक्ट में यही है ना, एन ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एच ए। समझ में आया आपको? तो K किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इन आयन के ऊपर। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एच प्लस होगा, और जितना ज्यादा एच प्लस होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अरहेनियस ने क्या बोला था कि एच प्लस आयन राइट, एच प्लस डोनर इन एक्वियस फेज एसिडिक। अब जितना ज्यादा एच प्लस होगा उतना क्या होगा? एसिडिक होगा। तो जितना डिसोसिएशन उतना एसिडिक नेचर। तो more is a dissociation, more is a Ka value, and more is a dissociation, more is a acidic nature. दोनों के बीच में relation बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? Direct. तो Ka is directly proportional to H plus acidic nature. नहीं समझा? ये बढ़ा तो ये बढ़ा, और ये बढ़ा तो acidic nature बढ़ा। तो मैं इन दोनों को relation बना सकता हूँ? Yes. आया ना? K increases, H plus increases, और H plus increases, acidic nature increases. तो overall क्या लिख सकता हूँ मैं? K directly proportional to acidic nature. Any confusion? ये समझा? अब K क्या है? हमारा equilibrium constant for
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। एक फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन। ये एच इधर है, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। अब पीएच क्या होता है, पीएच जो है वैल्यू होता है जो एसिडिक और बेसिक को चेक किया जाता है। जीरो टू सेवन एसिडिक, अगर सेवन है तो एक्सिट न्यूट्रल, सेवन टू फोर्टीन बेसिक, समझ आया। तो ये पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। मेरे पास क्या है के, अगर मैं के यहां लाऊ तो पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आया ना। तो एक फॉर्मूला है, इससे कोरिलेट किया गया, समझ में आ रहा है। अब नेगेटिव साइन है लॉग में, क्या करना पड़ेगा, राइट। अब लॉग के टर्म को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो क्या हो जाएगा, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वन अपॉन। ये पॉइंट समझा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम क्या बोल सकते हैं, हाइयर द वैल्यू ऑफ के मोर इज एसिडिक नेचर, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के मोर इज एसिडिक नेचर। तो कभी कभी ना वहां डायरेक्टली एसिडिक नेचर नहीं पूछेगा, बोलेगा किसका के हाइयर है, किसका पी के हाइयर है, मतलब एसिडिक नेचर कम, किसका पी के लोअर है, एसिडिक नेचर। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो pK inversely proportional to acidic nature and k directly proportional to acidic nature। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो वेयर k टर्म क्या इंडिकेट करता है, फॉर एसिड, k क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट। अब ये पढ़ लिया, अब यहीं पे थोड़ा सा और फैक्टर की बात करेंगे। HA है राइट, H प्लस आयन देगा और A माइनस देगा। अब जो H प्लस आसानी से देता है वही क्या होता है, एसिड होता है। H प्लस आसानी से देते, जितना फास्टर H प्लस देगा, जितना तेजी से देगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर होगा। अब कौन तेजी से H प्लस दे देगा, जिसको H प्लस देने पे फर्क ही नहीं पड़ता, समझ आ रहा है। आपको जरूरत है किसी चीज का, आपने अपने फ्रेंड से मांग लिया कुछ हजार दो हजार रुपया, उसने दे तो दिया और उसको फिर से जरूरत पड़ा तो पता चला विश्राम वक्त पहुंचते पहुंचते आपको दौड़ा के पकड़ेगा और बोलेगा मेरा पैसा दे दे, राइट। बट अगर आपको दे दिया और उसके पास एक्सेस में है, उसको जरूरत ही नहीं, तो आपसे मांगेगा नहीं। कभी जरूरत पड़ा तो साल दो साल में, और कभी जरूरत नहीं पड़ा तो कभी नहीं मांगेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहने का सेंस क्या है, ये H प्लस इजिली कौन डोनेट करेगा, जो डोनेट करने के बाद A माइनस, A माइनस क्या है, एनायन, राइट। एनायन क्या होना चाहिए, H प्लस कब देगा, जब एनायन स्टेबल होना चाहिए। एनायन स्टेबल हुआ तो H प्लस दे देगा, अनस्टेबल है तो क्या करेगा, बैक टू रिएक्टेड रिवर्सिबल, आया ना। ये दोनों कंबाइन होकर रिवर्सिबल हो जाएंगे अगर अनस्टेबल है एनायन। तो मैं एसिडिक नेचर को अभी तो के पी के अकॉर्डिंग बताया, अब सबका के पी के हम याद करने वाले हैं क्या, नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, कब हाइयर होगा कब लोअर होगा पूछा तो हम रिलेशन बना लेंगे। बट अगर हमारे पास एग्जांपल दिया है और पूछा एसिडिक नेचर किसका याद है, के पी के याद करने वाली बात है जो हम करेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे, ये एनायन। अब कौन तेजी से भी एच प्लस देगा वो भी आपको पता है क्या, गेटिंग माय पॉइंट, वो भी नहीं पता है। पर हमें कैसे पता चलेगा कौन फास्टर H प्लस देगा, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा, जब ये H प्लस दिया जो भी एनायन बनेगा वो एनायन क्या होना चाहिए, स्टेबल, मोर स्टेबल एनायन मोर इज एसिडिक नेचर। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं। तो यहां पे स्टेबल एनायन मोर एसिडिक नेचर, समझा आपको। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का पॉइंट पढ़ चुके हैं,
इसके जस्ट पहले, राइट। तो जितने भी पॉइंट पड़े हुए स्टेबिलिटी फॉर एनायन, वो सब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का हो, चाहे ईएन रूल हो, चाहे साइज का फैक्टर हो, कब किसको अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो प्रॉपर अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर एसिडिक नेचर मिलेगा। तो स्टेबल एनायन मोर एसिडिक नेचर। यहीं पे कुछ अगर पॉइंट लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एसिडिक नेचर तो होगा ही होगा, एनायन की बात कर रहा हूं ना मैं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो पढ़े हुए हैं, राइट। और माइनस आई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों में स्ट्रॉन्गर पूछा जाए तो कौन है? माइनस एम। अब ये दोनों अगर एनायन को स्टेबल बना रहे हैं तो एसिडिक नेचर कम करेंगे या ज्यादा? ज्यादा। मोर स्टेबल एनायन मोर इज एसिडिक नेचर। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कुछ एग्जांपल ले लू मैं। अब मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, हमें ये नहीं पता है कि कौन स्टेबल है। अब देखो यहां सी एच फोर लिया है, अब जिसके पास, अब यहां पे एच ए था ना, एच ए कितना तेजी से एच प्लस देगा नहीं पता है। हमने क्या किया, एच प्लस को निकाल लिया, निकालने के बाद एनायन बना लिया। अब ये एनायन कितना स्टेबल है ये तो हम पता लगा ही सकते हैं, एनायन पढ़ लिया है, एच ए भले पूरा नहीं पढ़ा है। यानी माय पॉइंट, सी एच फोर एन एच थ्री वॉटर हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, किसका ज्यादा एसिडिक, तो आंसर से पहले रीजन पे जाना है। रीजन क्या, सबका एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाला सी एच थ्री माइनस एन एच टू माइनस ओ एच माइनस एफ माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल? एफ माइनस। एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल लिया भी था, तो यहां पे आपको आंसर पता है, बट फिर भी मैं एज अ स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं, राइट। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हमें पता है, आया ना? और जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है ना स्टूडेंट, वही एसिडिक नेचर होगा, और वही मेरा क्या है, के वैल्यू भी है। बट पीके बोल दिया तो इसका पीके ज्यादा हो, ध्यान में रखना। अब इसमें नाउ सेम ऑर्डर फॉर एसिडिक नेचर, ये एग्जांपल समझा आपको, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, एच आई एच बी आर एच सी एल एच एफ। इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं बट बिना रीजन का नहीं, हमें पहले रीजन चाहिए, बिना रीजन का कोई भी सॉल्व नहीं करेंगे। बोलिए जरा, एच आर क्यों? आई माइनस ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एनायन, देन एफ माइनस सबसे कम साइज ऑफ एनायन सबसे कम, तो एच आई मोर एसिडिक, एच आर हाइड्रोजन आयोडाइड हाईली एसिडिक है, इजिली एच प्लस देता है, और जो इजिली एच प्लस देता है वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, उतना पावरफुल, रिड्यूस रिडक्शन में क्या यूज होता है, एच। तो जितना इजिली एच प्लस जो देगा उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आई माइनस लिखूं बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, तो के वैल्यू लिख सकते हैं हम सेम ऑर्डर में, आया ना? कोई डाउट? तीसरा एग्जांपल, ये एक बार आया भी है एग्जाम, ये एग्जाम में आ चुका है, बताइए क्या होगा इनके बीच में, क्या होगा एसिडिक नेचर? फटफट, अरे वही पुरानी बातें, सी एच थ्री सी एच टू माइनस ना, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस। अब ये देखा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज, साइज ऑफ कार्बन का एनायन सबका सेम होगा, कार्बन है ना सब। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबका सेम होता है, बट
यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका सेम ही होता है, बट अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज है तो ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, sp का ज्यादा sp2 से देन sp3 से, रीजन क्या है कोई बताएगा, why sp is a more electronegative, percentage s character, higher percentage s character more is a electronegativity, समझ में आ रहा है। तो अब यहां एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, k वैल्यू किसका ज्यादा, वन का कम टू से और टू का कम थ्री से, ये वन टू थ्री समझते रहेंगे, समझ में आ रहा है आपको, यहां तक कोई डाउट, एक दो एनायन भी ले रहा हूं। अब मैंने यहां पे एसिडिक नेचर पूछ रहा हूं, स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, फ्लोराइड क्लोराइड दिस वन, रीजन जितना ज्यादा स्टेबल एनायन उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, कौन ज्यादा स्टेबल एनायन है, फ्लोराइड देन क्लोराइड देन दिस, यही समझा, यहां जरा देखो ये पॉइंट क्लियरली मेंशन कर रहा है, स्टेबल एनायन मोर एसिडिक नेचर, कौन सा एनायन यहाँ पे स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर लो, विच एनायन इज मोस्ट स्टेबल, फ्लोराइड माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, समझ में आ रहा है, दोनों में माइनस आई है, माइनस एम होगा क्या, नहीं, तो यहाँ एम वाला फंडा मत अप्लाई करना क्योंकि ये sp3 है, देयर आर नो एनी कंजुगेशन, तो होंगे क्या टू थ्री वन, ये टू है ये थ्री है ये वन, ये समझ में आ रहा है आपको, चलो यहां बताओ किसका एसिडिक नेचर ज्यादा, और इसका उल्टा बेसिक पूछ दो तो समझ जाएगा, पहले एसिडिक बताओ किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब प्लस आई है ना, प्लस आई क्या करेगा एनायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, माइनस आई क्या करेगा स्टेबिलिटी, और तो यहाँ प्लस आई ग्रुप है ना, ये सब आया ना, दो दो प्लस आई है, एक ही प्लस आई है, नो प्लस आई, ऑर्डर क्या होगा, वन टू थ्री, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए जरा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं कार्बोक्जिलिक एसिड की बात करूं, कोई भी कार्बोक्जिलिक एसिड हो, एच प्लस देगा, कार्बोक्जिलिक आयन बनेंगे, राइट, और ये एसिडिक होता है क्योंकि यहां पे इक्वल रेजोनेंस होता है। अब इसमें फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपियोनिक एसिड, रीजन क्या होंगे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे प्लस आई का नेचर बढ़ता जाएगा, ये प्लस आई बढ़ रहा है ना, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है आई का, यहाँ प्लस आई मिथाइल है, यहाँ प्लस आई इथाइल है, जैसे जैसे अल्काइल का साइज बढ़ेगा प्लस आई बढ़ेगा, और प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएंगे, कम, एसिडिक नेचर कम, समझ में आया, तो मोर प्लस आई लेस एसिडिक नेचर, लेस प्लस आई नेचर मोर एसिडिक नेचर, ये पॉइंट समझ में आया, तो यहाँ एसिडिक नेचर फॉर्मिक एसिड इज अ मोर एसिडिक, देन एसिटिक देन प्रोपियोनिक, इवन फॉर्मिक एसिड जो है ना आपका बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एलिफैटिक एसिड की बात करूंगा,
अदर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अब यहीं पे इनकी वैल्यू की बात करता हूं मैं, पी के वैल्यू 3.4, 4.2 and 4.7। समझ में आ रहा है आपको, यहां पे कोई डाउट है? तो इसकी वैल्यू सबसे कम, फिर इसका जितना ज्यादा पीके वैल्यू उतना कम एसिडिक नेचर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक देन अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ध्यान में रखना। बट ये बिना आई या बिना एम वाले है, अगर इसी पे कोई माइनस आई माइनस एम आ जाए तो तब डेफिनेशन चेंज भी होंगे। अब यहीं पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्लोरो एसिडिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ऐसे कुछ ले लूं मैं एग्जांपल। अब इनका जो क्लोरो एसिडिक एसिड है ना, इनका पीके वैल्यू 2.86 होते हैं, नो डाउट ये फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। इसका पीके कितना है 2.86, इसका 4. अच्छा ये R जब CH3 होगा तब होगा, हाँ जरा ध्यान देना, सॉरी ये R CH3 एसिडिक होगा तब, अदर का तो और ज्यादा मोर देन 4. समझ में आ रहा है? ये 4.7 हो गया और इनका क्या हो जाएगा 4.2, एसिडिक एसिड का 4.7 होता है, अदर कार्बोक्सिलिक एसिड का 6.4 के रेंज में होगा, लेस देन 6.4 में। तो यहाँ एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, अगर मैं एसिडिक बोलूं, ये पी के वैल्यू है, और अगर मैं के बोलूं तो 1 देन थर्ड देन के बोला, मतलब एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूं, और एसिडिक नेचर जिसका पीके कम उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। ये समझ में आ रहा है आपको? यहां 3 फ्लोरीन है 3 ब्रोमीन है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा? जैसा एक के लिए वैसे 3 के लिए, इन क्लोरीन क्या हो जाएंगे? समझ में आ रहा है आपको? रैंडम ले रहा हूं, जरा ध्यान देना, यहां 3 क्लोरीन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ एसिडिक नेचर क्या होगा? ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ मैंने एसिड लिखा ही नहीं, क्या होंगे जरा आंसर बताएंगे? सेकेंड देन रीजन, नंबर इज मोर डोमिनेटिंग ओवर स्टेट, पढ़ा हुआ है ना स्टेबिलिटी के लिए, नंबर इज मोर डोमिनेटिंग ओवर स्टेट, यहाँ 3-3 है, 2 है और इधर 1 ही है। ये समझ में आ रहा है आप सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। इधर क्या होगा एसिडिक नेचर? फर्स्ट सेकेंड रीजन प्लस आई इंक्रीजेस एसिडिक नेचर डिक्रीज। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो अभी हमने एसिडिक नेचर डिस्कस किया है, ये एसिडिक नेचर जो है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है। किसकी बात की है? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई भी ग्रुप आ गया तो एसिडिक नेचर क्या होगा? अब एनायन की स्टेबिलिटी हमें पता है, जितना ज्यादा माइनस आई डायरेक्टली अटैच होगा उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक नेचर। ये जितने भी एग्जांपल लिए हुए जहां से लेके यहां तक, इसको छोड़ दिया जाए, एरोमेटिक को छोड़ दिया जाए, तो ये सब एग्जांपल में आई इफेक्ट का रोल है। किसका रोल है? आई इफेक्ट। ये सब एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट है। क्या है? आई इफेक्ट। ये समझ में आ रहा है आपको?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? दैट्स ऑल।